अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 154 एपिसोड होने जा रही है। और ये सफ़र जो कि आज से 6.5 ईयर्स पहले जो शुरू हुआ था, वो आज भी जारी और सारी है। और इस सिलसिले में आज हम एक दो ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने चाह रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपनी फील्ड में रहते हुए बहुत ज़्यादा काम किया है। एक मेरे साथ मेरे दोस्तों में से हैं, मनान अब्दुल मनान साहब। बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा एक फैशन मॉडल रहे हैं, और बहुत सारा चीज़ें उनकी क्रेडिट्स में हैं। अगर मूवीज़ की बात करें तो एक पाकिस्तान में आपको बताया, आज से 4-5 साल पहले एक मूवी बनी थी कप्तान, इमरान खान से उनकी मुशाबत मिलती थी, इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर भी मूवी हुई थी। उसके बाद एक प्रोजेक्ट अभी वो करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। दूसरी तरफ मेरे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद है, एक ऐसी एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने वुमेंस को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि वो ख़ुद भी अगर एज ए फैशन डिज़ाइनर भी हैं वो, और उन्होंने एक उनका अपना ब्रांड भी रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी उनका तल्लक रहा है, और लाहौर चैम्बर की वो मेंबर भी हैं। और इसके अलावा अभी जो इस रोल में वो आ रही हैं, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, वो एज ए प्रोड्यूसर एक ऐसी मूवी लेके आ रही हैं पाकिस्तान में, नो डाउट वो पाकिस्तान की सिनेमा हिस्ट्री को, पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिवाइवल का काम होगा। जी हाँ, एक मंजू मारिया के नाम से वो एक मूवी लेकर आ रही हैं। वो क्या होगी इंशाल्लाह अभी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दोनों सेलिब्रिटीज़ आज मेरे लिए मेरे मेहमान होंगे ख्वाबों से तबीयत तक का ये प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे साथ बंदे रहिएगा और देखते रहिएगा ख्वाबों से तबीयत तक। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मनान, आज भी बिल्कुल वैसे ही जो यानी बिफोर 15 ईयर्स। यस, 15 ईयर्स बिफोर। आपको याद होगा एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन का कवर पेज और वो जर्नी। मुझे याद है शूटिंग का ब्रांड एक था एडिक्शन, वो रेस्टोरेंट में जब हम रिजवान के सलून के मिले थे, रिजवान क्यूम साहब के, हाँ अब्दुल क्यूम साहब के, उन्होंने उसका टॉफ रखा था। इट्स अ ग्रेट ऑनर दैट वी आर अगेन विद ईच अदर। और ये बेसिकली देखें इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को किस तरह रखते हैं। सबसे पहले ब्लेसिंग है अल्लाह तआला की, जिसको चाहे वो बड़ा ज़रूरी है। मतलब बहुत से लोग कोशिश तो करते हैं उसमें अच्छा दिखने की, अच्छा रहने की, बट आपकी साथ कोशिश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तआला की ब्लेसिंग करने फिर आपकी कोशिश कि आप अपने आप को मेनटेन रखें, फिट रखें, वो ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करते रहें, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल स्मोक एंड ऑल दोस थिंग्स, ड्रिंक्स भी, जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है यू शुड स्टे अवे। तो चलते रहते हैं इसमें, फिर आप सीखते भी रहते हैं नई चीज़ें, ये सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप उन लोगों में से हैं कि जब फैशन इंडस्ट्री की पाकिस्तान में बुनियाद रखी गई या फैशन नया नहीं आया, जब हम लोगों को फैशन सिखाते भी थे बताते भी थे, तो उस वक्त फैशन मॉडल का भी होना बड़ा अयूसा समझा जाता था। आपको हमने तब भी रैंप पर देखा माशाल्लाह, और आज भी। तो थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के मुतालिक कि अब्दुल मनान ने वो बचपन के जो ख्वाब थे, क्योंकि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीयत तक, तो जो बचपन के ख्वाब थे क्या उसमें कहीं पर था, या कि मनान को मॉडल बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, और अब एक जिस तरफ आप जा रहे हैं या आ चुके हैं उसके ऊपर भी बात होगी, तो कुछ ऐसा था माइंड में किसी जगह पर कि ये पाकिस्तान में जैसे हर काम एक्सीडेंटली होता है, वो मनान साहब भी ऐसे बन गए? नहीं, ये इट वाज एन एक्सीडेंट।
मुझे आई स्टिल रिमेंबर मैं फर्स्ट जब मूवी देखी कोनान दी बारबेरियन सॉरी कोनान दी बारबेरियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक मूवी देखी आई वाज लाइक 7 years old जब मैंने देखे ना वो घोड़ो के ऊपर एक बॉडी बिल्डर और सोर्ड के साथ बैठता है जैसे तो आई वाज लाइक कि यार मुझे भी ऐसा बनना है मेरे ड्रीम वहाँ से स्टार्ट हुए आई कीप विजुलाइजिंग माय सेल्फ कि मुझे ऐसा बनना है मैं शीशे के सामने अपने आप को ना ये यूं कर दूँ तो उसके यहाँ पे यू नो थोड़ा फेस ऐसा है अंदर से ये टैंक डाल देना वैसे कर ले तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे कुछ बनना है तो ये एक्सीडेंट नहीं था ओके मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर इन चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया आई डोंट फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी हीट मूवी देखी जिसमें रॉबर्ट डी नीरो माई फेवरेट एक्टर्स मेंटोर ब्रूस ली ब्रूस ली को देख के उनकी मूवीज़ को देख के आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड तो मैंने ब्रूस ली से एंगर सीखा और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली से बड़ा कुछ सीखा अच्छा और उसके फीचर्स भी थोड़े से आपकी मुझे लगता है स्ट्रक्चर में है ब्रूस ली के ब्रूस ली यस वो मेरी फिजिक भी उस जैसी थी ना वो फीचर्स वगैरह मूवमेंट्स और उसकी जो एग्रेशन था वो बड़ा मैंने बड़ा गौर से देख रहे हैं आर्नोल्ड को मैं बड़ा गौर से देखता था बट आर्नोल्ड इज सो मैसिव ह्यूज एक बड़ी उसकी ह्यूज बॉडी है बट उसकी जो जो कमिटमेंट है जिस तरह उसने अभी भी स्टिल मेंटेनिंग हिमसेल्फ वो बड़ी अमेजिंग चीज है तो मैं इनकी लाइफ से भी बड़ा कुछ सीखना शुरू किया कि अपनी नॉर्मल रूटीन में कैसे रहते हैं तो कीप ऑन लर्निंग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने आपको आप मेंटेन भी रखें आपको कोई तो आइडलाइज करना पड़ेगा फिर ही कल को आपको कोई आइडलाइज करना पड़ेगा बट यू हैव टू बी योर ओन हीरो फर्स्ट तो माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स 20 इयर्स और इसमें बहुत सारी अचीवमेंट है आपकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत फैशन के लिए बहुत काम स्लोली बट श्योरली फिर एक प्रोजेक्ट पहले आपकी आपने किया एज ए एक्टर कप्तान ठीक है जिसमें इमरान खान की कॉपी आपके नियर ट्रू यानी था आपकी बॉडी और फिर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अच्छा वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था लोगों की बड़ी नज़र थी उस वक्त कि ये प्रोजेक्ट आएगा खान साहब को रिप्लेस करके कोई आ रहा है मनान की सूरत में थोड़ा सा बताएं उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो क्यों थोड़ा सा पीछे रह गया है शायद कंट्रोवर्शियल अब तो कंट्रोवर्शियल बन गया ना नहीं वो स्टिल नाउ कंट्रोवर्शियल है ना बट अगर पीछे जाए अगर हम जब वो बनी थी मूवी असल में एक तो मूवी को रिलीज होना था 2013 में आई थिंक तो 13 तक वी वर रेडी हमने जो उनकी 2010 तक जो लाइफ थी खान साहब की वो डिस्कस की उसमें और उनकी लाइफ के ऊपर जो जमायमा के साथ 60% मूवी में फिर जब आगे सिचुएशन चेंज होती थी तो उसके अंदर और कुछ डालना पड़ा तो सो डायरेक्टर जो था ना हमारा वो कीप ऑन चेंजिंग वो है तो बड़ा फैन खान साहब का तो वो कन्फ्यूज हो गया है नहीं उसमें एक जब उसने नए लोगों के साथ मुलाकात की उन्होंने कहा जी जलसा भी डालें उन्होंने कहा जी ये भी डालें उसके अंदर वो रह के फिर उसने बहुत चीज़ें और डालना शुरू कर दी प्रोजेक्ट जो है वो यानी कि एक्चुअल एक प्रोजेक्ट जो था उसकी शेप चेंज होनी शुरू वो फिर कुछ और चीज़ें जब जहन में आई तो हमने तो एक्ट करना था हमने तो जब भी इन्होंने कहा मैं तो दिल से ही एक्ट करता था जब भी मैंने सुना कि आप कप्तान के दोबारा आए तो मैं खड़ा हो जाता था कोई टेंशन नहीं कभी मैंने इनकार नहीं किया इसके लेकिन इस दफ़ा मैंने बड़ा इन्हें इंसिस्ट किया कि जब तक आप इसको प्रॉपर रिलीजिंग के लिए शो नहीं करेंगे तब तक आप फाइंडिंग मुझसे नबीन तो की बात सीरियस होके इन्हें बताया इन्होंने एक सीन और करना है कुछ चीज़ें ऐड करनी जो कि इनकी नज़र में सही ऐड नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें थी वो चाह रहे थे इसको भी हम अच्छा इन्हेंस करके दिखाएं तो दैट विल लुक गुड तो लेट्स सी उन्होंने बनाई तो है तो अभी तो रिलीज करेंगे इंशाल्लाह लेकिन वही बात है कि इंसान का काम में चलते रहना लेकिन उस शेप को उस प्रोजेक्ट के रुकने की वजह से एक नया प्रोजेक्ट आपके पास आ गया तो मैं तो ये समझूं कि अब यानी कि आप एक किस्म के लॉन्च हो रहे हो उसमें एज ए एक्टर मंजू मारिया की बात की अगर हम करें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और नाज़रीन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिनेमा हिस्ट्री के लिए और पाकिस्तान की जो मूवी लवर्स हैं देखने के लिए उन लोगों के लिए एक नया चेंज होगा बहुत ज़्यादा इनोवेशन होगी उसमें मैंने उसका देखा है उसके यानी कि सॉन्ग्स भी देखे हैं उसके ट्रेलर भी देखा है और मंजू मारिया की टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और मेरे बैग के ऊपर आप उसका यानी कि पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा और उसके जो प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़ा बिग नेम है फैशन से भी इनका तल्लक है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनका काम है वो खुद बताएंगे इस सारा ही हमारे साथ मौजूद है
सारा वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक। मेरे लिए बहुत प्रेयर की बात है कि आज आपसे बात हो रही है। सारा मंजू मारिया नया कॉन्सेप्ट है, ये नेम भी ऐसा है, और इसके पीछे क्या था, फिलोसफी क्या थी मंजू मारिया की? मनान को देखते हो तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन सारा आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक फैशन इंडस्ट्री से आपका तल्लक है, और आप एक सीरियस लाहौर चैम्बर की मेंबर भी है, यानी एज ए बिजनेस लेडी पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें का देखते हुए प्रोडक्शन एक टोटल, यानी कि 60 to 90 के एंगल से आपने टोटल चेंज कर लिया। सारा कुछ क्या है कि ये भी कोई बचपन का ख्वाब था, क्योंकि ये ख्वाबों से तबीर है, ये ख्वाबों की तबीर का सिलसिला जारी है। आप बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूज़ को प्लीज़। नहीं बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समझ लें इस काबिल समझा कि आप यहाँ पर आए अपने इंटरव्यू के लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मुझे लगता है जैसे आपका प्रोग्राम है ख्वाबों की, यस मुझे लगता है हर चीज़ हमारे ख्वाबों में, बिना ख्वाब के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर आज मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मे भी कहीं मेरी बैग पे कोई ख्वाब ऐसा होगा, बिना सोचे समझे हम किसी भी चीज़ में, मुझे किसी का भी नहीं लगता कि कभी कोई कूद गया होगा। एक बिजनेस लेडी बनना मेरा ख्वाब था, मैंने वो किया, उसके बाद प्रोडक्शन वो भी मेरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, बिकॉज क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे फादर नीराज ऑलरेडी बहुत से प्लेस बिग नेम है, 350। आप ये सोचें कि जिस टाइम पे शेक्सपियर ट्रांसलेट होता था थिएटर पे, उस टाइम पे उन्होंने आकर, बीइंग डॉक्टर अनवर सजाद हैं, उन्होंने लिखा कि तख्लीकी राइटर मुनीर राज जिसने अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब मैंने तो वो बचपन वहाँ गुजारा, और कहीं ना कहीं आर्ट और ये चीज़ें मेरे अंदर बसती और उसको किस तरह से कहीं ना कहीं, मतलब ऑब्वियसली आपके आपको पता है आपके किचन की जो एक भाग दौड़ है, आपको फील्ड में लाइफ में आगे जाने के लिए आपको काम करना ही पड़ता है, और जैसे आप कहते हैं कि सीखते का एक मुसलसल एक चलते प्रोसीजर है, चलते रहने का नाम मुसलसल है, जहाँ हम रुक जाते हैं वहाँ हम थक जाते हैं, मुझे लगता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। बिजनेस किया बिल्कुल ऐसे ही है, चैम्बर में फैशन डिजाइनिंग भी की मैंने, और ये चीज़ कहीं पर मेरे साथ चल रही थी। फिर एक प्लान था, जैसे कि फिल्म के डायरेक्टर हैं नीराज, वो मुझसे पहले इस फिल्म का हिस्सा थे, कॉन्सेप्टेड बाय अली अहमद मेराज, अहमद मेराज हमारे फिल्म के राइटर हैं, उनका कॉन्सेप्ट था, अली राज ने इसको एक स्क्रीन प्ले के साथ शक्ल दी, उसके बाद इसको हम प्रोडक्शन, मनान मुझसे भी पहले इस फिल्म का हिस्सा था, क्योंकि जो कैरेक्टर मंजू है बेसिकली वो शायद मनान के लिए है। जब आप फिल्म में देखेंगे, आप सिनेमा थिएटर में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर, और मनान से एक्सपेक्ट करना कि मनान ये काम कर रहा है लाइक अ मॉडल, जब हम शूट कर रहे होते थे तो हमें ऐसे लगता था यार क्या मनान डांस कर पाएगा, क्योंकि इसमें डांस भी है, मनान ने किया, क्या मनान ये टेक्सचर दे पाएगा, क्या मनान ऐसे लुक्स दे पाएगा, लेकिन मनान ने एक्सीलेंट काम 100% दिया, 100% दिया। मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं पर कोई, मुझे अपनी पूरी ही टीम, अपनी पूरी कास्ट से, हमारी कास्ट में असद अली है, किरण काजमी है, अली रिजवान है, फिजा मुनीर है, इन सब ने अपना फुल दिया, ताशी खान, मतलब मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि उसने अपना फुल नहीं दिया, मतलब उसने कम्प्लीट जो हमें पैकेज चाहिए था वो दे रहे थे, उन्होंने पूरा कम्प्लीट किया इसको। हमने इस बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, वहाँ पर जाकर गिलगित में हमने शूट किया, टूरिज़म के हवाले से एक ये बड़ा प्रोजेक्ट था, और टूरिज़म के हवाले से गिलगित को दिखाना और वहाँ के जो सीन्स हैं, सीनरीज हैं, वो मेरा ख्याल है कि पब्लिक देख के इन्जॉय किया। आई नो, मैंने देखे कुछ उसके सीन, आपने सॉन्ग भी देखे, पाकिस्तान लगता नहीं था पाकिस्तान है, अमेजिंग, आपने डिस्कवर किया पूरे पाकिस्तान को। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें बहुत मेहनत की, उसमें बहुत बड़ा हाथ है जुनेद अब्दुल्ला साहब, अली राज का हाथ है, एग्जैक्टली, हमारे डायरेक्टर का बहुत बड़ा। हम लोगों ने एक स्पेशल, जिसे कहते हैं जाकर 5 to 7 days वहाँ पे रेकी की है, और वो रेकी करके एक एक मीन्स की, अगर हमारा सॉन्ग है ऐसा क्यों है, तो वहाँ पर मुझे याद है कि हम लोग जब देखते थे कि ऐसा क्यों है, और जो टीम हमारे साथ चल रही होती थी गिलगित की, हर जगह जाके क्यों कहते हैं ऐसा क्यों है, तो मैंने कहा कि ये जब शूट होगा, और जब वो गाना शूट हुआ तो तब उनको आइडिया हुआ
या ये बनान दरख्त पे लेटा ये ऐसा क्यों है, फिर उन्होंने लिखा होगा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, बिल्कुल ऐसे ही लोग देखेंगे। जी नाज़रीन देखते हैं, आपके मंजू मारिया की टीम मेरे साथ मौजूद है और बड़ी क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी है और इनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी छुपा हुआ है जो मुझे भी लग रहा है। मंजू मारिया मैडम, पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए बींग ए लेडी आपको कह लें, एंटरप्रेन्योर कह लें आप, तो ये कोई ईजी जॉब नहीं थी, ये एरियाज को रैकी करना, तलाश करना, ये कॉन्सेप्ट और फिर और एक इस तरह की स्टोरी को लेकर आप आ रही हैं जिसको आपने मुझे बताया है, जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी इसको डाइजेस्ट भी कर लें बहुत बड़ी बात है, लेकिन नो डाउट माशाल्लाह एक नया कॉन्सेप्ट है और एक मैंने जैसे कहा कि रिवाइवल होगा दोबारा से पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, सिनेमा इंडस्ट्री का और मूवी इंडस्ट्री का, तो थोड़ा सा बताइएगा कि बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था आपको, ये कमर्शियल मूवी आपकी और वो जो आपका आइडिया है वो थोड़ा सा चेंज है, तो इसके आप लॉजिक और फिलॉसफी क्या थी इसके पीछे? देखिए मुझे तो ये लगता है कि फिलॉसफी बेटर तो आपको राइटर ही बता सकता है कि उसने क्या सोचा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें चेंज दिखाना चाहिए। देखें हम जब इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन हम हर वक्त पब्लिक को देते हैं, एवरी टाइम आप देखें कि हम कभी भी, अगर आप मुझसे मिलने आए तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आई एम गुड, सब अच्छा चल रहा है, इट्स मतलब आप हर बंदा कहेगा यार हालात ही खराब है, पाकिस्तान ने मार मायूसियत के बाद दिल है और कंफ्यूज है, मुझे लगता है पॉजिटिव वाइब्स हैं जब हम उनको कैच करते हैं तो हमें सब अच्छा मिलता है। और ये आप कभी एक्सपीरियंस भी करके देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द अगर अच्छे मुस्कुराते लोग रहेंगे, मुस्कुराते चेहरे, नथिंग मैटर कि आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, अगर आप खुश हैं ना दिल से तो इट्स अ ग्रेट थिंग। हम लाइवली जिंदगी जीने आए, आपने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, इतना डिप्रेशन लेके हमारे घर में हमारी फीमेल डिप्रेशन ले रही है और ये आटा महंगा हो गया है, ये चीज़ हो गई है, मुझे ये पहने, हम सिर्फ इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इससे और पहले क्रिएट हो, हमें निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें, मैं ये नहीं कहती कि हर बंदे को एक आज़ादी नहीं, लेकिन सबको मिलके, अब जैसे हमारी टीम है, हमारी टीम ने मिलके काम किया, मतलब किसी एक बंदे के बिना भी हमें लगता है कि हम इनकम्प्लीट है, इवन अपने स्पॉट बॉय के बिना, अगर वो स्पॉट बॉय टीम वर्क है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क से ही प्रोजेक्ट बनते हैं। और मुझे मजा ही आया एज ए प्रोड्यूसर, मेरा फर्स्ट ये प्रोजेक्ट था, जब मैं बैठी होती थी हॉल में तो मुझे जहाँ सेट्स लगे हुए या जहाँ भी प्रोड्यूस किया, आप यकीन करें कि मुझे कुछ पल के लिए मेरी आंखों में पानी आ जाता था जब मैं देखती थी यार इतने लोग हैं जिन्होंने शाम में पैसे लेके जाने अपने घर, मतलब एक इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप देखे जाए, मैं जब बारी स्टूडियो गई हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पर कुछ भी नहीं, बहुत पुराने पुराने डायरेक्टर्स, बहुत पुराने पुराने लोग आज भी पोस्टर्स लगा के आगे बैठे हैं। आप देखें कि मतलब उनका कुछ रोटी कमाने का स्टाइल था, वो कुछ लाइफ थे, और मतलब यहाँ मैं नाम नहीं भूलूंगी सुल्तान राही साहब का, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया उन्हें कल्चर को भी, लेकिन पंजाब का कल्चर कई लोगों में मैंने जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा है, आप उस टाइम का म्यूजिक देखें, हम आज पढ़ लिख गए हैं, हम आज ऐसी बातें करते हैं यार उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, बट उनकी वजह से इंडस्ट्री थी। आई नो, मैं थोड़ा सा आई रिमेम्बर के हैदर सुल्तान राई से जब मेरी बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया, बल्कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे इसी तरह, कि जब सुल्तान राई जाते थे स्टूडियोज तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट उनसे वो बसता था, पूरी इंडस्ट्री चलती थी उनके सराउंडिंग में, ठीक है। आप ये देखिए देने वाली तो उनके जाने के बाद यानी सिनेमास क्या स्टूडियोस बंद हो गए थे। देखिए क्या इंसान था, आप सुनाटा बोलिए आज भी वो गांव का सेट लगा हुआ है, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट था बारी स्टूडियो जाने का, और वो चीजें जब मैंने देखी तो मैंने दिल से दुआ की कि या अल्लाह इससे बात कर, और ये अपने लिए नहीं, मैं शायद एक फिल्म बना के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, बट मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था कि लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे हर बंदे, वहाँ पर दो खवातीन आई जो कि आज से कोई 15 साल पहले अपना घर बार छोड़ के कहीं से आई हैं और वो लाइक पागल हो चुकी हुई, मतलब वो आके सिर्फ सेट पे खड़ी होती थी, मुस्कुराती थी और फिर कहती थी कि क्या हम काम कर सकती हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि आज से अरसा पहले ये घर छोड़ के आ गई और आज तक काम की तलाश में है, बिग स्टोरी, हम इसको मामूली लेते हैं। लेकिन खैर मेरा ख्याल मैं कहीं और जा रही हूँ, हम मंजू मारिया के बारे में बात कर रहे थे। असल में ये जो आप रियलिटी बेस्ड बातें कर रही हैं, लोग
मेरे व्यूज यही देखने ही सुनना चाहते हैं, यही आपका प्रोजेक्ट है। Exactly. और ये बिल्कुल मुझे ये लगता है, देखिए सिनेमा बनाया मैंने, मेरा देखिए कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ, अपने साथ है। Yes. मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं देखती यार उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, अपने आप को देख, हाँ हर एक की कोई अच्छी बात लगती है मुझे, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो काम करूँ जो कोई दूसरा अच्छा कर रहा है। हाँ किसी की कोई नेगेटिव चीज़ है मैं उसे इग्नोर करती हूँ। ये अच्छी बात है और ये आपकी पर्सनैलिटी में मैंने देखी भी है और ये शायद ये चीज़ें प्रोजेक्ट में भी नज़र आ रही है आपकी कि आपने आप इनर भी इनर साइड से अच्छी हैं तो इसलिए आपका प्रोजेक्ट शायद मैं समझता बहुत अच्छा आगे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कोशिश की है, मेरे साथ पूरी टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत सी चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही है अभी क्योंकि मेरी फिल्म ईद उल अज़हा पे आ रही है, तो मेरी कोशिश यही है कि फिल्म लोग देखने आए, फिल्म एक अलग कंटेंट है उसमें देखने को मिलेगा, लोगों को हटके स्टोरी नई स्टोरी देखने एक नई स्टोरी मे बी उसमें कुछ क्रिटिसाइज भी हो, कुछ लोग अच्छा बुरा देखें, हर एक की अपनी थिंकिंग है, सब लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, बात करने में कोई मनाही नहीं है, जो अच्छा है वो भी कहेंगे, जो बुरा है वो भी कहेंगे, हमने अपनी ट्राई की अपनी कोशिश और थोड़ा हटके करने की इसलिए कोशिश की है कि आप, मुझे लगता है हर कोई कहता है जी मैंने नया काम किया, हमने कोई नया काम नहीं किया, ये सब कुछ होता है, ये स्टोरी अगर कहीं से उठाई है तो ये स्टोरी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है, मुझे लगता है फीलिंग्स वही है, हम चेहरे बदल गए, हम लोगों की आज भी सोच वही है लेकिन हमने थोड़ा सा टेक्निकल या थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही। आज भी हम फील करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज बुरी लगती है आज भी मेरा रोने को लग जाता है, हम क्यों नहीं VFX के थ्रू रो लेते, हम कहते हैं ना सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया इज अ बहुत बड़ी चीज है देखने के लिए, लेकिन हमने क्या दिखाना है वो हम सोच थोड़ा सा जब आपको ये स्क्रिप्ट बताया गया तो आपको कैसा लगा ये करना चाहिए कि नहीं मनान को, यानी कि थोड़ा सा फीलिंग्स बताइएगा। मैं जब अलीराज ने मुझसे मीटिंग की ना तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा कैरेक्टर ये है, जब मैंने कहा था जब इन्होंने बताया कि तुम्हें कलर करेंगे, सोचने पड़े कलर कैसे आप जब क्या करेंगे फेस कलर करेंगे, तो ओवरऑल मुझे उन्होंने दिखाना तो था एक डीमन डिफरेंट जिन मैंने कहा भाई चल वो कैसे होगा, वो तुम छोड़ो, तो हमारा ये करेक्टर है और हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो इनके इस तरह मुझे और इंटरेस्ट करना होगा, तो थोड़ा सा स्टोरी भी इन्होंने डिस्कस की कि तुम ऐसे हो तुम ये हो तुम्हारे साथ किस तरह होगा, पहले तो मुझे बड़ा फ्रेंडली लगा, ऐसा ऐसा रिवील होता कहते कि ये तो बड़ा एक मेजर रोल है, तो मेजर रोल तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा मेजर रोल है, लेकिन इतना नहीं था मुझे आइडिया कि सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि बनान के इर्द गिर्द घूम रही है, मेन कैरेक्टर है वो मंजू, मंजू हाँ, सबसे बड़ा जो मुझे मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट ऑनर कि तुम एक टाइटल रोल करने जा रहे जिसका फिल्म का नाम ही मंजू, तो तुम वो मंजू, तो ये मुझे मेरे लिए कोई एक ऑनरेबल बात, तो मैं तो चाहता था पहले एक्सप्लोर के लिए मैं निकला हुआ था क्योंकि पाकिस्तान में मूवीज तो पहले नहीं बन रही, तो बन रही है तो वो भी बड़ी अजीब स्टोरीज हैं जो कि सिर्फ मोहब्बत और उसके इर्दगिर्द घूमती रहती है, तो जब इनकी स्टोरी मुझे समझ आई तो मुझे आइडिया हुआ कि ये इट्स ए डिफरेंट टॉपिक, इसके अंदर बहुत से डिफरेंट और सब्जेक्ट्स भी हैं, ये सिर्फ लव नहीं है, लव नहीं है, इसमें मैसेज भी, असल में मैसेज क्या है, इट्स इट हैज अ थ्रिल, इट हैज अ हॉरर एज वेल, इट हैज अ मिस्टीरियस कैरेक्टराइजेशन, बहुत अच्छी है, मतलब जैसे मैंने एक नाम लिया अली रिजवान का, वो पूरा एक डिफरेंट गेटअप मतलब क्रिएट किया गया है, वो जब आप फिल्म में देखेंगे तो आपको मजा आएगा जी सर, इसके ऊपर मज़ीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे, बिल्कुल और क्योंकि ये वाकई मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी होने जा रही है और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। मंजू मारिया की टीम और
क्रिएटिव टीम मेरे साथ मौजूद है जिनके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट उनके ऊपर है। अब्दुल मनान जो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का, आप लोगों को पता होगा। मनान, आप थोड़ा सा और मज़ीद बताइएगा कि आने वाले दिनों में ये मंजू मारी है तो प्रोजेक्ट आप कर ही रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ये वर्ल्ड वाइड इसकी अभी प्रीमियर भी हो रही है और लॉन्च भी हो रहा है, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपके लिए मज़ीद एज एक्टर डोर्स ओपन हो चाहिए इंशाल्लाह? और एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो पार्टनर भी है, तो मैं मेरी आदत है मैं जब तक काम बिफोर टाइम उसको डिस्क्लोज, अच्छी बात है, अच्छी बात। देखो मैं घर पे भी नहीं था, अच्छी बात। मैं अपनी पहले वो नजर का कांसेप्ट एक आ जाते हैं आप इस फील्ड से पहले के लोगों में, वैसे भी आप नजर के अलावा अगर आप सोचे तो, क्योंकि अभी चीज हुई नहीं है तो आप उसे, मैं इवन मेरे फादर बताते हैं कि जब जिस रास्ते से तुम्हें जाना है ना वो रास्ता भी ना बताओ और ना अपनी जेब का भी बताओ। मेरे पास मेरे वाले साहब माशाल्लाह तक उन्होंने उनकी मफ़त मारे, तो वो अपनी ये बातें मेरे मैंने पल्ले बांध दी कि अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन आप अपने मॉडल क्लिक को तो बता देते होंगे ना कि कितने वॉलेट में अभी क्या है? नहीं, वो भी नहीं बताता। अच्छा, किसी को नहीं बताता। अच्छा, मैं इवन घर में नहीं बताता कि अभी क्या है, वो समझते हैं बस ये दरवेश है, दरवेश है, दरवेश है। इवन मेरे गली मोहल्ले के जो लोग वो भी ये समझते हैं दरवेश साहब, तो बड़ा खामोशी से आप अपनी अपने बात करें, अपनी फोकस रहें, अपने जो आपका टारगेट है, जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ करते रहें, क्योंकि आप जब थोड़ा सा ड्रिफ्टेड आउट हो जाएंगे, आप इधर उधर देखेंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो फिर तो आप अपने असल हदफ से हट जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बात पर रहें, अपना काम पहले होने दें, लेट सक्सेस मेक इट्स नॉइस। तो वैसे भी मैं मैंने देखा आप ना उन लोगों में से पर्सनली आई रिस्पेक्ट, यानी मैं इज्जत करता हूँ आपके लिए कि आप उन लोगों में से जो साफ सुथरा काम करते हैं। हालांकि हमारी ये फैशन मॉडलिंग की फील्ड आपको पता ही है, इसमें हर तरह के लोग हैं, लेकिन मैंने जब भी आपको देखा है और आपकी सेंसिटिविटी आपके काम के साथ है, आपने बहुत साफ सुथरा काम किया, अपने काम से काम रखता है हमेशा, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है मंजू मारिया। अच्छा, ये एक पूरा ये जो मैं इंस्पायर हो रहा हूँ उस नेम से, ये मुझे लगता है कि बेंच मार्क बन जाएगा सारा आपके लिए भी और आपके लिए और आपकी टीम के लिए। सर, जब आप मंजू मारिया का नाम रख लेते हो, जो मंजू एक नेम है ये थोड़ा इंडियन नेम लग रहा है पर्सनली, तो मारिया भी कुछ इंडियन नेम रख लेती है आपने, क्या इंडियन और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन रखा है? मुझे कई लोगों ने कहा कि मंजू जो है, मंजू कोई कहता है सिंधी नेम है, कोई कहता है कुछ इस टाइप का है, ये किस टाइप का आपने नाम रखा है? फिर मारिया जो है, मारिया भी एक मुस्लिम नेम है, मुस्लिम भी है और कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन नेम भी है, इंग्लिश नेम भी है, तो ये किस तरह से आपने? अब सीधी चीज है कि मैं कभी भी वो चीज नहीं कहूंगी मंजू मारिया मैंने नाम नहीं रखा। मंजू मारिया ऑलरेडी राइटर और डायरेक्टर होके अपनी उससे रखा गया है, और भी बहुत से नाम, जैसे हमारी फिल्म का एक सॉन्ग है ऐसा क्यों है, वो जैसे सॉन्ग लगा लोगों ने सुना और जैसे मैंने देखी उसकी वाइब आती लोगों के पास, तो मुझे कई लोगों ने कहा आप इसका नाम ऐसा क्यों है रखते हैं, और वैसे भी आपकी फिल्म ऐसी कि ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है सब कुछ फिल्म में, मीन्स कि हमारी फिल्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक सबसे जो खूबसूरत चीज़ है मैंने आपको बताया कि हमने जहाँ पे ब्रेक ली थी कि हमने कैरेक्टर्स को बड़े खूबसूरती से, हमारे कैरेक्टर्स को जैसे हम चाह रहे थे वैसे उन कैरेक्टर्स ने भी निभाया, जैसे मनान का कैरेक्टर मनान ने बड़ी खूबसूरती से निभाया, अली रिजवान ने अपना कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से निभाया, असद ने अपना कैरेक्टर एक मुश्किल रोल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब हम कोई गेटअप लेके रोल करते हैं उसको परफॉर्म पूरी तरह से करना, उसके साथ इंसाफ करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट एक नॉर्मल कैरेक्टर में रह के इनके फिल्म का हीरो जो है असद अली किरण काजमी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब नॉर्मल रहते हुए पब्लिक का दिल जीत रहा, मतलब मनान लाइक एक डिफरेंट कैरेक्टर में आपने देखा, रेड कैरेक्टर में है, वो पब्लिक को अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। अली रिजवान एक डिफरेंट बिल्कुल एक ऐसे रोल में आ रहे हैं कि लोग देखते हैं तो वो कुछ देर की क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं, यार व्हाट इज दिस। असद के पास एक सिंपल रोल है और उसने वो सिंपल रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया, बाकी तो पब्लिक बताएगी लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उसने बड़ी खूबसूरती से उस रोल को निभाया है। और फिर जो सबसे बड़ी पंच लाइन है हमारी फिल्म की कि जिंदगी जो है, कई लोग होते हैं ना कि यार ये मुझे मारने आया है, उसको मार दो मैं तो बच जाऊँगा, बट द पंच लाइन इज जिंदगी इंसानियत मारने से नहीं बचाने से, वाओ, दिस इज द मेन लाइन, मेन लाइन,
और इस फिल्म के पूरी फिल्म देखे, सॉन्ग सुने, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, हर चीज़ होगी, बट जो इसकी पंच लाइन है मैं पब्लिक से भी कहूँगी कि उसको बिल्कुल मत भूलें, वो एंड तक याद रखे उसको, असल जो लाइन है एग्जैक्टली मैसेज है, ये मैसेज है, उसको सुन के जाएं और उसको समझ के जाएं, बिल्कुल ठीक, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। असल चीज यही होती है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं प्रोजेक्ट के बाद। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट जो है ना थोड़ा हटके भी है, ठीक है, मार्केट में अगर आप कमर्शलाइजेशन देखें तो बेसिक मकसद तो यही है ना, कोई एनजीओ तो है नहीं ना आपकी, क्योंकि इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, ये बेसिक एनजीओ सब्जेक्ट है अभी नहीं, है अभी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एनजीओ आप इस तरह से कह सकते हैं मेरे पास नहीं कास्ट, मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत आपके लिए ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है बतौर प्रोड्यूसर, तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं जहाँ से आप यानी अर्निंग ज्यादा, प्लॉट ले लेती कोई, नहीं मैं अर्निंग नहीं करना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, क्या आप सोच के लगा रही थी पैसे इतना इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है और फिर न्यू सारे न्यू कमर्स है, yes. मनान के अलावा, ठीक है, पूरी टीम सिंगर्स न्यू है, सिंगर्स बेस भी न्यू है, ओके, साउंड जनरेट हां सारी टीम नहीं है सब नहीं, लेकिन मनान, मनान के साथ-साथ हमारे मतलब जो हैं अली रिजवान भी मॉडलिंग, उन्होंने भी टीवी सीरीज किए हुए हैं, असद जो है उसको भी 7 मिलियन उसके फॉलोवर्स हैं, ये एक नई गेम में शुरू कर दूंगी इसलिए मैं नहीं जिक्र कर रही, लेकिन असद को बहुत से लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है उन्हीं में, किरण ने क्योंकि अपना करियर स्टार्ट लिया उसने जियो से, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद फिल्म में वो बाउंड हो गई, उसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसने फिर कुछ नहीं किया और उसके बाद अब वो शी इज़ वेटिंग फॉर कि उसका प्रीमियर हो। अब एक बंदी जब हीरोइन के तौर पर आ जाती है फिर वो सोचती रहती है यार मैं ये ना हो जाऊँ तो मुझे कुछ साइड रोल दे दें या कुछ ऐसा, तो शी इज़ वेटिंग फॉर प्रीमियर, और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम किया है उसने, तो बेसिक चीज़ ये है कि ये तो मैंने ज़रूर फेस किया है, मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा अभी तक, मुझे किसी ने नहीं कहा यार सारा गुड जॉब, कि तुमने काम किया है, तुमने टूरिज्म पे काम किया है, तुमने एक अच्छे गुड मैसेज पे काम किया है, तुमने सिनेमा रिवाइवल के लिए काम किया है, नई कास्ट को लेकर आए हो, मतलब ना बड़ी आपको हर बंदा ये कह रहा है, सिर्फ एक ही बात कह रहा है यार ये क्या मार, ये क्या कर दिया तुमने, नई कास्ट के साथ आ गई, अगर पैसा ही लगा। उसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर लोग जितने प्रोड्यूसर लेवल के लोग आते हैं ना, एक टाइम राय साहब का मैं जिक्र किया है, तब से लेकर अब तक तो लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं ना, देखा जाए तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ कि मैं लगा के आ रहा हूँ और मुझे चूंकि कमर्शियल मूवी है ना आपकी, तो मुझे अगेन क्या करना है, ठीक है, नेकी अपने जगह पर, सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन बिजनेस भी तो एक है ना, तो यहाँ पे एक रवायती इंडस्ट्री हमारी है, रवायती लोग हैं, रवायती मोनोपोली है, सब कुछ वही है, आप उस सबको क्रिस्मे वो जो क्रिस्मा था उसको तोड़ के आप एक नई चीज़ लेकर आ रही है, इसलिए लोग ज़्यादा हैरान है, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे लोग, बल्कि वो एक्साइटेड है आपसे कि आपने क्या कर दिया, मैं रोज जब ये लफ्ज़ सुनती हूँ ना तो मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी टीम को, एग्जैक्टली मैं भी मैं ये प्राउड फील करती हूँ कि यार नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी टीम से, क्योंकि देखिए मैंने इनको नेचुरल रोल में देखा, फिल्म को पूरा देखा, एडिटिंग भी देखी, चीज़ें भी देखी, बहुत कुछ नेचुरल है, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं ये नहीं कहती वी आर परफेक्ट, हमने बहुत सी गलतियाँ की होंगी और मैं इस टाइम पे पब्लिक से कहूँगी कि उन गलतियों को माफ़ कीजिएगा और सिनेमा तक आइएगा कम से कम अप्रिशिएट करने नई टीम, क्योंकि नया काम करने की कोशिश की, मैंने कोई किसी पे वो नहीं किया कि मैं यार ये कोई हटके एहसान कर रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मेरा अपना माइंड यार नई टीम के साथ काम करना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए, एग्जैक्टली, और मे बी कि ये फिल्म अल्लाह करे कामयाब हो जाए, इंशाल्लाह हो, इंशाल्लाह, लेकिन कम से कम मुझे लगता है फिल्म गॉसिप्स में ज़रूर आएगी, आएगी तो उसके बाद मैं एक नई फिल्म फिर बनाऊंगी, नई कास्ट के साथ बनाऊंगी, नए लोगों के साथ बनाऊंगी, नहीं इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, नेवर गिव अप, एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ये है नाज़रीन, बतौर खातून इनको हमें एम्पावर करने के लिए, हमें इनको क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ऑब्लाइज करना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान जैसी एनवायरनमेंट में रहते हुए जहाँ के सर्कमस्टांसिस और जहाँ के हालात और वाक़ियात आजकल आपके सामने हैं, इकोनॉमिकली हालात आपके सामने हैं, उसमें इस तरह का एक बारिश का पहला कतरा मंजू मारिया की शेर में अगर ये लेकर आ रहे हैं तो
मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट भी आपको जाता है और ये बहुत बड़ी बात है, और मेरी दुआएं और मेरे अदारे की दुआएं, एशियन ट्रेड टीवी, एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन की दुआएं आपके साथ है, पूरी टीम के साथ। जी मना एक बहुत मुझे भी इंतज़ार है उतना जितना कि आप लोगों को इंतज़ार है, ठीक है, क्योंकि हम मनान को देखना चाह रहे हैं उसी शेप में, उसी तरह से जो कप्तान की वजह से थोड़ा सा रुक गए थे आप। मैं अपने ऊपर हमेशा, मैंने ना चाहे कोई भी सिचुएशन हो अपना फोकस मैंने, यानी अपने आप को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश की, और मैं कभी गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया। वो तो जिस दिन गिव अप हो गया तो समझे वो सब चीज़ें आप जब भी मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, ये होता है बास का तो आप सेलेक्ट नहीं होते, बास का प्रोसेसिव प्रोजेक्ट होते हैं आप सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन मैंने उस वक्त जब मैं सेलेक्ट नहीं होता ना तो मैं अपने आप को फोकस ले जाता हूँ, भैया मुझे थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, मैं नया ट्रांसफॉर्म अपने आप को फिर दोबारा करके आऊँगा, इस दफा कुछ और ग्रूम इम्प्रूव करके आऊँ, तो यही मैं रखता हूँ। मेरे मैसेज भी यही है लोगों को, जो न्यू कॉमर्स, नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए यू शुडंट गिव अप, ये नहीं हार नहीं मान। जी नाज़रीन ये देखें आपने, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वो ख्वाबों की तबीर है कि अगर आप अपनी मंजिल आपकी क्लियर हो, विजन आपका आपके सामने, तो मंजिल मिलती है आपको। और जिसकी ट्रू एग्जांपल सारा अली, जिनकी ये फेल नहीं थी, उनका शौक और उनकी हिम्मत और उनकी जस्तजू उनको यहाँ तक लेकर आई, और मनान जो कि इस फील्ड से डायरेक्टली तो नहीं थे इन्वॉल्व, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि जो कि एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में, बड़ी फेमस मूवी होने जा रही है, उसके ऑलमोस्ट तमाम टीम मेरे साथ मौजूद है, उसी मूवी का एक करेक्टर बहुत ही फेमस एक्टर, किसी तारीफ के मुहताज नहीं, एडवर्टाइजिंग फील्ड से भी उनका तलक रहा है, और अभी एज ए एक्टर आप उनको देखेंगे, अली रिजवान, अली रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद है। अली कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का करम, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी अपने प्रोग्राम में बुलाया। अली भाई आप डे फर्स्ट से एंड तक इस पूरे प्रोजेक्ट में रहेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा प्रोजेक्ट को बनते हुए, तो थोड़ा सा बताइएगा क्या समझते हैं कि आफ्टर रिलीजिंग दिस मूवी क्या पाकिस्तान सिनेमा का वाकई रिवाइवल हो जाएगा इंशाल्लाह, कि कुछ आपको लगता है कि ऐसा कुछ समथिंग कुछ चेंज होने वाला है? देखिए सर, रिवाइवल तो हर मूवी जब अपने इंटरव्यू देती है वो यही कहती है कि हम रिवाइवल कर रहे हैं और हमारी वजह से ये हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई हमने देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, हमारा मकसद है कोशिश करना, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ हम मेहनत कर सकते हैं, और जो पब्लिक मांगती है, जो चाहती है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको वही डिलीवर करें जिसमें उनकी एंटरटेनमेंट उन तक वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकें। बाकी रिवाइवल की बात है वो टोटल डिपेंड करता है कि हमारे व्यूवर्स के ऊपर वो हमें किस हद तक पसंद करते हैं और हम उनके जो उनके जीन का जो मैार है क्या हम उन पर पूरे उतरे, वो तो वो आएंगे सिनेमा घर में, वो देखेंगे फिर हमें बताएंगे कि हम उनको कितने जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम अपनी टीम पर पूरा एतमाद है मुझे, और हमें हमने पूरी कोशिश की है कि जो लोग हमसे चाहते हैं हम उनकी पूरा होते हैं। अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा बतौर एक्टर इस मूवी में आपका क्या कैरेक्टर था? बेसिकली जी एक बेसिकली टोटली मिस्ट्री मूवी है, लव ट्रायंगल एंड मिस्ट्री के साथ चल रही है, तो उसमें ये है कि एक मिस्ट्री कैरेक्टर ही है, इस पर मेरा मिस्ट्री कैरेक्टर ही है, क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी और जब ये करेक्टराइजेशन हो रही थी तो मैं इसमें जो एज अ कुछ और मूवी को लेके काम कर रहा था, तो जब ये कहानी स्टोरी चल रही थी, बयान हो रही थी, तो उसमें एक करेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एडम का करेक्टर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनसे पूछा कि यार क्या मैं ये करेक्टर कर सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं अभी हमारी कुछ चल रही है ऑडिशन हो रहे हैं, तो मैं कहा अगर आप समझते हैं तो ऑडिशन मेरा भी ले लें, अगर मैं अगर इस काबिल हुआ या अगर आपको लगता हुआ कि मैं कर सकता हूँ तो अगर मेरी ख्वाहिश है मुझे ही दें। खैर एनी हाउ इन्होंने फिर मेरा भी ऑडिशन लिया, तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इन्होंने मतलब मुझे सेलेक्ट कर ही लिया, देन आफ्टर मुझे जो है इस पर मूवी में चांस मिला, और मतलब मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि जो मैं जो ये लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं पूरे कर सकूँ। जी बिल्कुल अली भाई, मुझे भी आप ही की तरह इंतज़ार है इस मूवी का। जी बिल्कुल, नो डाउट ये मूवी वाकई पाकिस्तान में बहुत अच्छा यानी कि एक मैसेज और लोगों को इंटरटेन भी करेगी इंशाल्लाह। अजीज़
अरे भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी नाज़िम, आप देख रहे थे आज ख्वाबों से तबलीग तक का ये प्रोग्राम जो कि आपने देखा है। इस मूवी का रिव्यू के हवाले से भी कह सकते हैं आप, और इसके तमाम टीम मेरे साथ मौजूद थी आज। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और ये सफ़र, ये ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इंसान की उम्मीद से ख्वाब और ख्वाब से तभी, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का चलते रहने का नाम है। जिस दिन आप हम ख्वाब देखना या उसकी उम्मीद बांधना ख़त्म कर देंगे, उस दिन ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ शाहिद मियां को, उसकी टीम को इजाज़त दीजिए अगले सफ़र तक के लिए। हम मिलेंगे इस कारवां में एक नए सफ़र, नई जदोजहद के साथ, नई एपिसोड के साथ, नए स्टार्स के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।